नायगांव में मजदूर खतरे में करते हैं काम, सुरक्षा को लेकर कोई नहीं इंतजाम। निर्माणाधीन इमारत में बिना सेफ्टी किट के लटकती मजदूरों की जान। नायगांव से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बिना सेफ्टी के मजदूरों से ऊंचाई पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस डर दरमियान बसई विरार क्षेत्र में नई नई बहुमंजिला इमारतों का निर्माण जोरों पर चल रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों की ओर से उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। नायगांव पूर्व में 7-11 स्कूल के पास 22 मंजिला इमारत का कार्य जारी है। यहां मजदूरों को बिना सेफ्टी किट के ही ऊंचाई पर काम करते हैं। ना वहां सुरक्षा नेट लगाया गया है और ना ही मजदूरों को कोई सेफ्टी दी गई है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस मनपा मौन है। आप देख सकते हैं कि इमारत में सुरक्षा के लिए नेट भी नहीं है। इस पर न तो पुलिस प्रशासन का ध्यान है और न ही मनपा प्रशासन ऐसे ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में जब मनपा टाउन प्लान विभाग के मुख्य अधिकारी YM रेड्डी से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। आपको बता दें कि पिछले महीने नाला सोपारा के बाकनपाड़ा इलाके में अवैध निर्माण के दौरान दीवार ढह जाने से एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि 4 मजदूर जख्मी हुए थे। इसी तरह कुछ दिन पहले काम के दौरान एक इलाके में दीवार ढह जाने से एक मजदूर की मौत हुई थी और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ था। ताज़ा मामला ऐसा ही विरार के ग्लोबल सिटी में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। हर जगह ठेकेदारों की लापरवाही से मजदूरों की जान जा रही है, लेकिन प्रशासन मौन है। बता दें कि श्रम विभाग के निर्माण सेक्टर के लिए कड़े कानून बनाए हैं। बिना सुरक्षा उपकरणों के कार्य करते पाए जाने पर वेल्डर्स ठेकेदार पर कड़ी कार्यवाही का प्रावधान है, लेकिन शहर में निर्माण स्थलों पर मजदूरों के बिना सेफ्टी किट के काम कराया जा रहा है। न तो हेलमेट दिया जाता है और न ही जूता व सेफ्टी बेल्ट सहित अन्य सुरक्षा किट। मजदूर 50 से 60 फीट की ऊंचाई पर जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, आप खुद ही इस वीडियो में देख सकते हैं। वहीं इस पूरी लापरवाही में हिंदू क्रांतिकारी सेना के अध्यक्ष राजीव सिंह ने आरोप लगाया है कि पुलिस व मनपा प्रशासन की उदासीनता के चलते बिल्डर्स व ठेकेदार मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिना सेफ्टी के मजदूरों से काम कराने वाले बिल्डरों व ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ बिल्डर्स व ठेकेदार रेरा और मनपा नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। मनपा व पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज मजदूरों की जान जोखिम में है। बिना सेफ्टी किट के कार्य कराए जाते हैं। अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी मनपा व पुलिस प्रशासन की होगी। इस मामले में जब VVCMC उपायुक्त अजीत मोचे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन इमारत में इस तरह के बिना सेफ्टी किट के मजदूरों से काम कराया जा रहा है तो वह टाउन प्लान विभाग की जिम्मेदारी है। वहीं नायागांव पुलिस स्टेशन के सीनियर PI रमेश भामे का कहना है कि यदि इस विषय में हमारे पास कोई शिकायत आएगी तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले में देखिए अध्यक्ष राजीव सिंह हमें क्या जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं इसमें 7 स्कूल के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग का बना रहे हैं। विगत कई महीनों से बिल्डिंग का काम चालू है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या कॉन्ट्रेक्टर जो काम करते हैं उनके जो लेबर है, अभी घटना हुआ था, अभी दो दिन पहले घटना हुआ था, उसमें वर्कर जो मरे थे उसका जिम्मेदार कौन होता है? इसमें ना जाली लगाया, ना सेफ्टी बेल्ट, ना हेलमेट लगा के जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं प्रशासन और महानगर पालिका से मांग करता हूँ ऐसे बिल्डरों और इसे कॉन्ट्रेक्टर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जाए, और मैं कल एक लेटर देता हूँ महानगर पालिका को, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद।